हमारे खाने पीने के औकात, खाने पीने की कह लें कि बेवक्ता खाना, ड्यूटी पे ऑकवर्ड आर में ड्यूटी पे जाना, खाना ना होना, या खाने के मतबादल के तौर पे कोई नाकस चीज़ें खा लेना, रेडी से कोई चीज़ समोसे परोठे ये वो, और अगर कहीं पानी नहीं मिला तो फिर ये पानी दूसरा नीचे ज़ेर ज़मीन पानी ठीक नहीं होता, चलो बोतल पी लेते हैं, वो सेवन अप पेप्सी वो, और जो हम मतबादल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो असल से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो मैं ये मतलब अपनी नेचर के हवाले से कि हमारी जॉब की जो नेचर है, हमारा रहन सहन, हमारा काम करने का अंदाज, औकात, उस हवाले से मैं ये इनको सिर्फ बता रहा था। बाकी चीज़ें तो अब आया साहब ने अच्छी ब्रीफ की है, बाकी जनाब बताएंगे। तो मैंने सिर्फ यही कहना है कि आपको अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने अजीज वकारों को, दोस्तों को, जो आप सुने उनको कन्वे ज़रूर करें। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं। और याद रखो, ये पेप्सी पीना, ये नस्ले पानी की नस्ले की बोतलों में पानी पीना, वो पैक मसाले लेके आना, ये घरों में ओवन शोवन जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, ये कोई फैशन नहीं है, ना स्टेटस है। स्टेटस एक ही है कि हम महफूज रहे, हमारे दोस्त महफूज रहे, हमारे अजीज़ों का महफूज रहे। खुदा ना करे जिस अवेयरनेस में आप बैठे हैं आज, ये खुदा ना करे को बंदे इसमें हो जाए, तो हमारी दो चार सालों की जो तनख्वाह होती है एक टेस्ट के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। दोस्त अब आप भी मिलना छोड़ देते हैं, तो रिश्तेदार भी करीब नहीं आते कि यार ये आजकल परेशान है, कि ये ना को उधार मांगना शुरू कर दें। तो इसलिए परहेज़ एहतियात के लिए कीमती चीज़ों की ज़रूरत नहीं, छोटी चीज़ें, गाजरें खाएँ, मूलियाँ खाएँ, मतलब कहने का मतलब जो चीज़ ज़मीन से निकलती है वो ज़रूर खाएँ, जो चीज़ प्रोसेस होगी वो ना खाएँ। प्रोसेस जो आप समझते हैं, जो प्रोसेस हुई वो ना खाएँ, ज़मीन वाली ज़रूर खाएँ, जो भी निकलती है वो हमारे लिए काफ़ी है। तो अल्लाह आपका हम